सो मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट इज बेसिकली इट इज यूज टू काउंट द एटम्स. मोल कंसेप्ट बेसिकली क्या है, यूज टू काउंट द एटम्स. जिस तरह एटम्स को काउंट करने के लिए मोल कंसेप्ट गिवन है, जिस तरीके से वी हैव डजन, एक डजन का मतलब कोई भी चीज़ हो, वन डजन ऑफ एनी आर्टिकल, एक डजन किसी भी आर्टिकल का इक्वल्स टू कितने होंगे, 12 नंबर, है ना. वन पेयर ऑफ एनी थिंग, वन पेयर ऑफ एनी आर्टिकल, एनी थिंग. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन पेयर? टू. सेंचुरी, हंड्रेड, डबल सेंचुरी, 200. ओके, सो वी आर हैविंग द क्वांटिटीज विच रिजेंबल टू परफेक्ट आर्टिकल. इसी तरह से वन मोल ऑफ एनी थिंग, किसी भी एनी थिंग मीन्स एनी आयन पार्टिकल, एटम और एनी स्पीशीज. इज इक्वल्स टू द इक्वल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ग्राम्स में. एंड वन मोल में कितने पार्टिकल बताते हैं, वन मोल में हाउ मैनी पार्टिकल्स, हाउ मैनी पार्टिकल्स, 6 पॉइंट. यू हैव टू लर्न दिस. एक मोल, जैसे एक डजन में 12, एक मोल किसी भी चीज़ का कितने पार्टिकल इकट्ठे करके रखेगा, इतने पार्टिकल. ठीक है, दीज आर वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, ऑल्सो टर्म गिवन बाय एमिडियो एवोगैड्रो. किसने दिया था ये नंबर, गिवन बाय एमिडियो एवोगैड्रो. सो वन मोल ऑफ कोई भी चीज़ है इक्वल टू, अगर मैं बोलती हूँ वन मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम. सो 12 ग्राम इक्वल्स टू ऑफ कार्बन विल कंटेन कितने पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स. ओके, अगर मैं बोलती हूँ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना है, अभी तो मैंने बताया मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, तो 1 ग्राम. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का में कितने पार्टिकल होंगे, इतने. अगर मॉलिक्यूल है कोई, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, वन मोल ऑफ CO2, तो पहले मैं CO2 का रफ में कैलकुलेट कर लेती हूँ. कार्बन का मास कितना होता है, 12, है ना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो 16 × 2, जैसे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल है, तो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम. तो वी विल से दैट 44 ग्राम ऑफ CO2 विल कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल, इतने पार्टिकल्स. आगे बात समझ में बेटा, गॉट इट? मोल इज एन, स्मॉल एन. नाउ हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल्स टू कैलकुलेट मोल्स. हाँ जी, टू कैलकुलेट मोल्स
सो हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, वी हैव टू फॉर्मूलाज, वन फॉर्मूला इज दिस एन इक्वल्स टू एम अपॉन एम, दैट इज एम इज गिवन मास, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा भाई 2 ग्राम कार्बन, ठीक है, तो गिवन मास इज टू स्मॉल एम, एंड एम इज मोलर मास, जो आपको मेथड सिखाया है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका, उससे आप हमेशा एम करोगे, तो एम आप हमेशा खुद कैलकुलेट करोगे, ओके ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम? ओके नेक्स्ट सेकेंड, जब फ्रॉम पार्टिकल्स गिवन, जब पार्टिकल्स दे रखे हों, देन वी हैव एन इक्वल्स टू एन बाय एन नॉट, सो इट इज एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, एंड एन नॉट इज एवोगैड्रो नंबर, जैसे हम एम अपने आप निकालेंगे ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम खुद पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, दिस एन नॉट हम खुद निकालेंगे, हमेशा एन नॉट हम खुद रखेंगे, ठीक है, ओके ओके नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो मैं समझा चुकी थी, क्या मैं इसे दोबारा समझाऊं या दूसरा? हाँ जी जल्दी बोलो बेटा, सो एम इक्वल्स टू 0.5 × 14, ठीक है, क्लियर? क्लियर बेटा, कोई डाउट? कोई डाउट? अरे बाल को बोल दो, थर्ड बेटा नहीं समझ में आ रहा किसी को तो प्लीज़ मुझे बता दो, चैट बॉक्स में लिख के भेज देना, ठीक है। थर्ड है पार्टिकल वाले नंबर से फॉर्मूला, क्योंकि पार्टिकल्स गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन बाय एन नॉट वाला, कोई भी बेटा, बताओ बेटा, कोई भी बच्चा ट्राई कर सकता है? मैम मैम एटॉमिक मास इनटू 1/2, एटॉमिक मास इनटू 1/2, 1/2, बट दैट इज नॉट बेटा करेक्ट फॉर्म, ठीक है आप बता रहे हो, लेकिन उसका एक तरीका है कि कहाँ कहाँ से आ रहा है एटॉमिक मास इनटू 1/2, हमें तो सिर्फ दो ही फॉर्मूले पता है ना बेटा, हम हाँ हाँ ऐसे करेंगे, ठीक है ना बेटा, हमें तो नहीं पता ना एटॉमिक मास इनटू 1/2, ये कोई हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है या ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, हमने तो दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं,
तो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/2, ठीक है। और एम मास निकालना है, और कैपिटल एम इज मोलर मास। अब मोलर मास किसका, एन एटम का, समझ रहे हो। तो एन एटम का मोलर मास कितना, व्हाट इज द एटॉमिक मास, 14, ठीक है, ओके। एन टू होता तो 14 × 2 होता, तो हमारे पे मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, मीन्स 14/2, दैट मीन्स कितना आ गया, 7 ग्राम। आगे बात समझ में, गॉट इट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 6.022 × 10⁻²³ नंबर ऑफ एन टू मॉलिक्यूल्स। बट निकालना हमें मास ही है बेटा, याद रखना इस बात को कि हमें लास्ट में मास ही निकालना है। सो वी हैव, देखो निकाल लिया हमने 7 ग्राम, लेकिन ऐसे निकाला है, ठीक है ना। सो द फोर्थ पार्ट इज 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एन टू एटम्स, एन टू एटम्स, ठीक है। सो इट इज 6.022 × 10⁻²³ निकालेंगे, क्योंकि सीधा तो हमारे पास, अगर मैं करूँगी तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये तो है यहाँ से, लेकिन ये n नहीं है, तो पहले मैं n निकालूंगी। n कैसे निकालेंगे, n इज n बाय n नॉट, ठीक है। तो n, n इज 6.022 × 10³ अपॉन 6.022 × 10³। ये आपको पता है क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कैंसिल, तो हमारे पास कितने मोल आ गए, 1 मोल आ गए। अब वही एन हमें पता चल गया, एम निकालना है, और ये एम हम इधर से हमेशा एम फॉर्मूले से निकालेंगे। अरे नंदनी कितना नेटवर्क इशू है। सो अगेन एन इक्वल्स टू एम अपॉन एम, मोलर मास, मोलर मास एन टू का क्या होगा, कोई एक बच्चा बताएगा कितना होगा, कितना होगा बेटा, 28 एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू टू, क्योंकि टू लगा है ये सबको, अगर अच्छी तरह से समझ रहे तो ये पता है मोलर मास हमेशा ऐसे ही निकलेगा, 14 × 2 दैट इज 28। सो 28, सो इट विल बी एम इक्वल्स टू 28 ग्राम, ओके, गॉट इट, गॉट इट।